मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनुस कंटेंट ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, जैसा कि मैंने बताया था। और वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ तो अभी मैं मतलब नहाई भी नहीं हूँ, ऐसे ही तैयार होकर जा रही थी, क्योंकि आकर तो मुझे नहाना ही पड़ेगा वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर बाहर जाने के बाद थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और ये देखिए सनी बैठा हुआ है मेरी गोदी में चढ़ की। और तो बस इसीलिए मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं ना बच्चों को किसी को नहीं लेकर जाऊँगी, घर पर ही छोड़ के जाऊँगी बच्चों को। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और अगर आप लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में इंजेक्शन को लेकर, मतलब वैक्सीनेशन को लेकर। तो वो सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अपने किसी डॉक्टर से या अपने फैमिली फ्रेंड से, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता है मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो ये देखिए सनी, ये है सनी। कौन है ये? हाँ तो चलिए फिर चलते हैं वैक्सीनेशन के लिए, मिलती हूँ बाद में। अभी देखिए मैं बैठ चुकी थी गाड़ी में और हम लोग जा रहे थे वैक्सीनेशन के लिए। और वैक्सीनेशन के लिए ना हम लोग एक विलेज में जा रहे थे गांव में, क्योंकि जो हमारी रजिस्ट्रेशन बुक हुई है वो एक गांव में हुई है। और अभी बस हम लोग जा रहे थे। तो घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है ना, इसमें डर लगता है बाहर निकलते हुए भी। और मैं पता है डबल मास्क लिया हुआ है मैंने, डबल मास्क लगा कर जाऊँगी। और तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें वैक्सीन लगवानी थी। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब हल्की हल्की सी धूप है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और ये देखिए पीछे हमारे, यहीं पर हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है। और ये गांव के अंदर है सरकारी हॉस्पिटल, जैसे होते हैं ना सरकारी टीके वगैरह जहाँ पर लगते हैं बच्चों के भी, वो वाली जगह है ये। तो यहीं पर हम लोग टीका लगवाएंगे, और मैं ही लगवाऊंगी, ये नहीं लगवा रहे हैं अपना टीका। तो ये क्यों नहीं लगवा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी, अभी सिर्फ मेरा टीका लगेगा, ये नहीं लगवाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जा रही थी अंदर
वैक्सीन के लिए, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी यहाँ पर बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ना टीका लगवा लिया था अपना, और ये है मेरा कार्ड जहाँ पर लिखा हुआ है मतलब वैक्सीन का नाम। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 10, और आज मैंने वैक्सीन लगवा ली थी। तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की उसके बाद में घर आने के बाद, क्योंकि जब मैं वैक्सीन लगवा कर आई थी उसके बाद मेरे ना हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये इंजेक्शन ना यहाँ पर लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पर कंधे पे लगता है, ये जहाँ पर ना जैसे बच्चे के बर्थ पे बर्थ मार्क वाला इंजेक्शन लगता है, आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तब टीका लगता है कंधे पे लगता है ना ऊपर यहाँ पर, तो इसी तरह से ये टीका यहाँ पर लगा था मेरे भी। तो इस वाले हाथ में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरा। तो और फिर ना नहाने के बाद ना मैं लेट गई थी, रेस्ट किया था, खाना वाना बनाया था, फिर आके मैंने रेस्ट किया था। और कह रहे थे कि मतलब रेस्ट ही करना, अगर आप कुछ काम करने लगोगे ना ज़्यादा मेहनत वाला काम करोगे तो फिर आपके फीवर वगैरह भी हो सकता है, तो फिर इसलिए मैंने रेस्ट किया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया उसके बाद में। और फिर मतलब अभी 10 बज रहे हैं तो अभी भी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस खाना ही बनाया था जस्ट, बाकी का काम सारा बच्चों ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद मैंने आने के बाद ना टैबलेट भी दी थी उन्होंने, मुझे 2 टैबलेट दी थी, एक टैबलेट मैंने खा ली थी और एक अब मैं रात में खा के सो जाऊंगी जिससे मुझे फीवर वगैरह ना आए। और कहते हैं वैक्सीन के बाद ना फीवर आना जरूरी होता है थोड़ा सा, क्योंकि कहते हैं ना छोटे बच्चे को जो टीका लगता है वैक्सीन लगती है तो उसको भी फीवर आता है, तो मुझे भी लग रहा था कि फीवर आएगा तो इसलिए, लेकिन मैंने पहले फीवर से पहले ही मैंने टैबलेट खा ली थी, क्योंकि मुझे मुझे छोटे बच्चे का भी ध्यान रखना है साथ में अपने साथ साथ में। और मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी क्योंकि दोनों अगर एक साथ वैक्सीन लगवाते तो फिर बच्चे का ध्यान कौन रखता, इसीलिए इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और कहते हैं कि 14 दिन तक या 15 दिन तक ना वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक हो जाती है आपकी कंडीशन, जिसकी वजह से आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपना। और ये देखिए ये है मेरा वैक्सीन कार्ड, और इस पे ना नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें टीके का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, और यहाँ पर ना क्रम संख्या लिखी हुई है, मतलब जो भी इंजेक्शन का वो होती है, और ये बाकी का मुझे खुद ही फिल करना है कार्ड। और इसमें ना यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, आपको मैं पढ़ के दिखाती हूँ। इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन हो सकती है, हल्का सा फीवर हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, हरारत हो सकती है, और दाने भी हो सकते हैं। तो इसमें 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर इनसे अलग आपको कुछ और भी होता है, कुछ और तकलीफ़ होती है, कोई और परेशानी होती है, तो आप ना यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, इनको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है इन पर, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हो, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपने नहीं लगवाया तो आप लोग लगवा लेना, क्योंकि कुछ लोगों की ना मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं इन वैक्सीन को लेकर। तो सबसे पहले तो इसमें एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मुझे पता चली है, कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, अगर आप प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं लग सकती आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। और दूसरी बात, अगर आप बच्चे को फीड कराते हैं तो भी आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया था, डॉक्टर ने मुझे बताया था, क्योंकि जो मैं भी अपने बेबी को फीड कराती हूँ तो मुझे भी ये बोला गया था कि अगर आप बेबी को फीड कराते हो तो आप वैक्सीन मत लो। लेकिन आज मैंने पूरा दिन बेबी को अपने को फीड नहीं कराया है, आज मैंने पूरा दिन मतलब रेस्ट किया है, आराम किया है, क्योंकि मेरा बेबी 2 साल से ऊपर का हो चुका है तो थोड़ा बहुत वो ऊपर का खा पी लेता है, तो इसलिए मैंने उसे फीड नहीं कराया है। और इसके पीछे रीजन यही है कि बच्चे को फीड कराओगे अगर आपको फीवर वगैरह आ रहा है टीका लगवाने के बाद, तो अगर आप बच्चे को फीड कराते हो तो वो बच्चे के लिए भी हानिकारक है। और दूसरी तीसरी बात ये पता चली थी कि जैसे अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो भी आप ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते, क्योंकि जो कोविड पेशेंट है आपके घर में, तो कहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद ना आपको 15 दिन तक बिल्कुल मतलब ऐसा रहना है कि बहुत ज़्यादा नाजुक आपकी बॉडी हो जाती है, आपको किसी के संपर्क में नहीं आता, ना किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है,
और अगर आप किसी कांटेक्ट में आते हो तो आपको चांसेस है कोविड होने की, आपको मतलब इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इन 15 दिन के अंदर अगर आप किसी के संपर्क में आते हो इस तरह से। तो इसी वजह से तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप ये वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो। तो बस जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने बता दी है। और बाकी इसमें ना वैक्सीन जो आती है दो तरह की आती हैं, एक आती है कोविड वाली, एक कोविशील्ड है और एक कोविड कोवैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। तो ये कोविशील्ड लगी है मुझे वैक्सीन, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वैक्सीन लगवाने के लिए जाऊंगी तो यहाँ पर कोविशील्ड लिखा हुआ है तो कोविशील्ड वाली ही वैक्सीन मुझे लगवानी है नेक्स्ट टाइम जब भी लगवानी है। और इनमें ना दोनों वैक्सीन के बीच में जो गैप होता है वो दोनों वैक्सीन का अलग अलग होता है। जैसे ये कोविड वैक्सीन कोविड शील्ड है तो इसका टाइमिंग अलग है कि इसको 8 से 10 हफ्ते या 12 हफ्ते के बाद लगना है दूसरा वैक्सीन जो लगना है। और जो कोविशील्ड कोविड वैक्सीन होती है वो वाली, तो वो वाली जो लगनी है वो आपको मतलब 1.5 महीने के बाद लगती है, मतलब 6 हफ्ते के बाद लगती है। तो दोनों में टाइमिंग अलग अलग होती है और रजिस्ट्रेशन दोनों का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ेगा मुझे दूसरी के लिए अलग कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं, एक बार में ही दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बस जो नॉलेज मुझे थी मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से अब ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जिनको पता है, जो जिन्होंने मेरी वीडियो एंड तक देखी है वही लोग मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरी वीडियो को। अगर किसी को अच्छी लगेगी तो ही वो सब्सक्राइब करेगा। और आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को शायद पता हो और किसी को शायद पता भी ना हो, तो मैं बता देती हूँ कि लाइक का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है और डिसलाइक का भी कोई पैसा नहीं मिलता है। आपका मन करता है तो आप लाइक करके जा सकते हो और डिसलाइक भी करके जा सकते हो, क्योंकि लाइक करने से सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो को इतने लोग पसंद करते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन से मतलब होता है कि हमारा काम करने का मन करता है कि हाँ हम आगे भी काम करें, और कुछ भी नहीं होता है। और बाकी सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, अगर आप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ हमारा एक ये होता है कि हाँ हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है यूट्यूब की कि रोज़ हमारी फैमिली में एक दो लोग जुड़ रहे हैं या हमारी फैमिली बढ़ने लगी है, इतनी फैमिली हमें यूट्यूब से मिली है, यूट्यूब पर हमारी इतनी फैमिली हो गई है। तो बस यही सब है और बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।